हे हेलो, आज तक इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग बने हैं, जितने भी अमीर आदमी पैदा हुए हैं, उन सब ने यही प्रणाली को फॉलो किया है, यही स्ट्रैटेजी, यही मेथड और यही माइंडसेट के साथ वर्क किया है और अपनी जिंदगी में कामयाब हुए हैं। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपको जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है, आपको जिंदगी में कामयाब होना है, तो आपको यही माइंडसेट, यही प्रणाली के साथ, यही मेथड के साथ वर्क करना पड़ेगा जो आपको जिंदगी में कामयाब बना देगी। इसके अलावा आपकी समस्याओं का कोई हल नहीं, इसके अलावा आपकी समस्याओं का कोई हल नहीं। हे, मैं पंकज रोतला आपका दोस्त, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको इंस्पायर करता है, आपके काम के लिए इंस्पायर करता है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी के कुछ ठोस अनुभवों के साथ आज आपको मैं सक्सेसफुल माइंडसेट स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूं जो आपको जिंदगी में कामयाब बना देगी। क्या? जो आपको जिंदगी में कामयाब बना देगी। मेरे साथ अंत तक बने रहे, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अक्सर हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में तीन चीजों को प्राथमिकताएं देता है। ये तीन चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है हमारा फैमिली एंड रिलेशनशिप, दूसरा आता है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा हेल्थ से रिलेटेड, तीसरा आता है फाइनेंशियल, यानी आपके काम से रिलेटेड। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, पहली प्राथमिकता लोग अपने परिवार को देते हैं, क्योंकि हैप्पी फैमिली अच्छी फैमिली होती है। घर परिवार में अगर रिश्ते अच्छे चल रहे तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखो, दूसरी प्रायोरिटीज देते हैं लोग हेल्थ को। अगर हेल्थ अच्छी है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तो आप जिंदगी में काम भी कर लोगे, रिश्ते भी कमा लोगे, अक्सर लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। तीसरी प्रायोरिटीज लोग देते हैं किसको? अपने काम को, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्या होता है? काम बंद हो जाता है, होता नहीं होता? सबसे पहले देखो, मां बाप के बीच झगड़े, भाई बहन के बीच झगड़े, बीवी बच्चों के बीच झगड़े, आस पड़ोस में झगड़े, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर रिलेशनशिप में आ जाती है, हम सबसे पहली प्रायोरिटीज अपने फैमिली को देते हैं। अपना काम बंद करके सबसे पहले हम उन मसलों को, उन रिलेशनशिप को सही करने के पीछे भागते हैं, भागते नहीं भागते हैं। दूसरी प्रायोरिटीज हम देते हैं अपनी हेल्थ को। अगर आपकी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होता है? काम बंद हो जाता है। हम पहली प्रायोरिटीज के बाद दूसरी प्रायोरिटीज देते हैं अपनी हेल्थ को। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्या होता है? काम बंद हो जाता है। सबसे पहले हम हेल्थ को सही करने के पीछे लगाते हैं। अब इस चीज को समझना, फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने सारे एफर्ट बेटर रिलेशनशिप के पीछे लगा दिए, अच्छे रिश्तों को बनाने में लगा दिए, रिश्तों को अच्छा करने के पीछे लगा दिया। अब आपके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, फैमिली में मां बाप से अच्छे रिश्ते हैं, भाई बहन से अच्छे रिश्ते हैं, बीवी बच्चों से अच्छे रिश्ते हैं, दोस्तों के बीच अच्छे, आस पड़ोस में अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली चल रही है। अब आप इस चीज को समझना, बेटर रिलेशनशिप क्या आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या बेटर रिलेशनशिप आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। दूसरी प्रायोरिटी आती है हेल्थ को। बहुत बार लोग हेल्थ को प्रायोरिटीज देते हैं, बाकी सारे काम, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम में लोग क्या करते हैं, हेल्थ को प्रायोरिटीज देते हैं, बाकी सारे कामों को भूल जाते हैं। अब आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बॉडी है आपका, आपकी हेल्थ बहुत, आपकी हेल्थ, बेटर हेल्थ क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या बेटर हेल्थ आपके रिलेशनशिप को अच्छा कर सकती? नहीं कर सकती। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, रियलिटी बताता हूं, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, बेटर से बेटर फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी हेल्थ को भी सही कर सकता है, आपके रिलेशनशिप को भी सही कर सकता है। आप इसे देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप रिलेशनशिप को या अपने हेल्थ को प्रायोरिटीज मत दो, अपने रिलेशनशिप को भी प्रायोरिटीज दो, अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटीज दो। लेकिन यहां जो छोटे मोटे पंगे होते हैं, जब छोटे मोटे पंगे घर पे चल रहे हैं, बीबी बच्चों से, भाई बहन से छोटे मोटे पंगे चल रहे हैं, लोग सबसे पहले सारा काम छोड़ के अपने उन प्रायोरिटीज को, अपनी फैमिली के उन पंगों को सुलझाने में लग जाते हैं। अब देखो एक चीज, मैं रियलिटी बताऊं, पंगे भी वही होते हैं। देखो लोग कहते हैं ना, पैसा झगड़े का कारण होता है, पैसा ना होना झगड़े का कारण होता है। रियलिटी तो ये है, देखो बड़ी फैमिलियों में जहां पे पैसा होता है ना, वहां पे अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के बीच, झगड़े नहीं होते। झगड़े कहां होते हैं? छोटे मोटे परिवारों के बीच, जहां पे पैसा नहीं होता, पैसा ना होना झगड़े का बहुत बड़ा कारण होता है। हेल्थ में पैसा ना होना बहुत बड़ा कारण होता है हेल्थ का खराब होना। आपने देखा होगा, देखो डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास अपने पेरेंट्स को ले जाते हैं या किसी अपने चाहने वाले को ले जाते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, क्या आप उनकी हेल्थ को अच्छा कर सकते? 90% केसेस मार्केट के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर खराब क्यों हो जाते हैं? जस्ट बिकॉज दे हैव नो मनी। पैसा ना होना बहुत बड़ा कारण है हेल्थ प्रॉब्लम का, आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम का। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आपको देखो, पैसा भगवान नहीं है, भगवान से कम, इस चीज को समझ लो, पैसा भगवान नहीं है, भगवान से कम भी नहीं है। 90% आज जो केसेस सही हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, पैसे की वजह से हो रहे हैं। 90% केसेस खराब होते हैं, पैसे की वजह से खराब होते हैं। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम सब सही कर देगा, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम सब सही कर देगा, इस चीज को समझ लो। धन्यवाद आप सब लोगों का अंत तक जुड़े रहने के लिए। इस डाटा स्ट्रेटजी वीडियो ने मुझे बहुत बड़ा सक्सेसफुल माइंडसेट दिया है और आशा करता हूं आप सब लोगों को भी ये सक्सेसफुल डाटा स्ट्रेटजी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव वे में इस तरीके से बना दिया ना, आज आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।